के डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा। जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी KGF लेने। तो दोस्तों, किसने सोचा था कि साउथ इंडियन सिनेमा की रीजनल फिल्में जिन्हें ऑडियंस देखना पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन दोस्तों आज यही फिल्में इंडियन सिनेमा का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही है और इंडिया की टॉप ओपनर्स के साथ हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कन्नाड़ा सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 और तेलुगु सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के बारे में, जिसे कि पिछले एक महीने के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। इन दोनों ही फिल्मों ने दोस्तों सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आग लगा के रख दी है और इंडियन सिनेमा का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 2 के शुरुआती दो दिनों के इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, साथ ही साथ इस फिल्म का कंपैरिजन करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर पिछले महीने रिलीज हुई RRR के दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और RRR के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और जानने वाले हैं दोस्तों कि क्या KGF चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती दो दिनों में RRR को पीछे कर पाई है या नहीं और क्या इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन RRR से ज्यादा रहेगा या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, जूनियर NTR और रामचरण के डाहट फैंस हैं और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म RRR के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 मार्च को लगभग 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म के लीड में आपको तेलुगु सिनेमा के दो मेगा स्टार्स यानी कि जूनियर NTR और रामचरण नजर आए थे। साथ ही साथ दोस्तों, बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन और आलिया भट्ट भी इस फिल्म में आपको कैमियो के तौर पर नजर आए हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बनने वाली ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसका डायरेक्शन किया था इंडियन सिनेमा के विजनरी डायरेक्टर SS राजामौली सर ने। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म के ट्रेलर में ही दोस्तों इस फिल्म के स्केल और इस फिल्म के विजुअल्स को ऑडियंस ने पसंद कर लिया था और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने पहले दिन हिस्टोरिक ओपनिंग ली और कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। साथ ही साथ दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन था वो 156 करोड़ रुपए का रहा। ओवरसीज में भी इस फिल्म ने अपने पहले दिन 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया, जिससे कि इस फिल्म का दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 223 करोड़ रुपए का रहा, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है और इस फिल्म ने बाहुबली 2 के पहले दिन के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। दोस्तों बताते चले आपको कि RRR को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले थे, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को फैंटास्टिक रिव्यूज दिए थे और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने शुरुआती 3 ही दिनों में इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी और इस फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन था वो 133 करोड़ रुपए का दुनिया भर से रहा था। और अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट वीक कलेक्शंस की, तो अपने पहले हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया। दोस्तों बताते चले आपको कि RRR को रिलीज हुए आज पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं और आज इस फिल्म का दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर चौथा हफ्ता है और आज 22वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म के पास ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2000 स्क्रीन है। इन 2000 स्क्रीन पर दोस्तों आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का जो कलेक्शन है वो लगभग 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म हिंदी में लगभग 247 करोड़ रुपए की कमाई आज कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है 1115 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और यह फिल्म दोस्तों इंडियन इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म बनी हुई है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर KGF चैप्टर 2 की, जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल ही रिलीज किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के सभी बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसके लीड में आपको रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त नजर आए हैं। दोस्तों इन दोनों ने ही इस फिल्म में काफी धमाकेदार काम किया है। साथ ही साथ दोस्तों, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज ने भी इस फिल्म में काफी बेहतरीन काम किया है। एक्शन, विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, हर तरह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन ऑडियंस को पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इतिहास के नए झंडे गाड़ रही है। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी
से पार कर लिया, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। हालांकि दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर RRR के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे करने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के जो टिकट प्राइजेस थे वो तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी कम थे, जबकि दोस्तों RRR के जो टिकट प्राइजेस थे वो काफी ज्यादा थे। यही वजह रही दोस्तों कि तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो थोड़े कम रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी, तामिल, कन्नाड़ा और मलयालम भाषा में RRR के पहले दिन के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 203 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे धमाकेदार रिव्यूज की वजह से ये फिल्म अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है। अपने पहले ही दिन दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में 68 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली ये फिल्म अपने दूसरे दिन भी हिंदी में 52 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती दो ही दिनों का हिंदी कलेक्शन 120 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। और ये फिल्म दोस्तों इंडियन इतिहास की पहली ऐसी फिल्म साबित होगी जो कि अपने शुरुआती दो ही दिनों में हिंदी में 120 करोड़ रुपए पार कर चुकी हो। दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी में RRR के 5 दिनों के कलेक्शन को सिर्फ अपने दो ही दिनों में पीछे कर दिया है। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म RRR से थोड़ा पीछे रह चुकी है, लेकिन दोस्तों तेलुगु में भी इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। वहीं दोस्तों कन्नाड़ा, मलयालम और तामिल बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म RRR के कलेक्शन को पीछे कर चुकी है। इसी से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि KGF चैप्टर 2 के लिए ऑडियंस के बीच में जो क्रेज है वो कितना ज्यादा है। ये फिल्म दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज अपने दूसरे दिन 140 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है और RRR के 133 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये फिल्म अपने शुरुआती दो ही दिनों में 340 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि RRR का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1100 करोड़ से ज्यादा का है। अब देखना यही है कि KGF चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों KGF चैप्टर 2 का इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो कितने करोड़ का रहेगा, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।